चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है, जिसको लेकर मात्र 2 दिन शेष हैं। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों पर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने दमखम को लगाने में जुटे हुए हैं। आज हम पुरकाजी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी दीपक कुमार जी के साथ हैं, जिनसे हम जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वह अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और क्या मुद्दे इस वक्त पुरकाजी की विधानसभा की जनता के सामने आ रहे हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। जानना चाहेंगे कि इस बार पुरकाजी विधानसभा से फिर से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या मुद्दे जनता के हैं और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी इस वक्त चुनावी मैदान में है? देखिए, जहाँ तक पुरकाजी के अपने स्थानीय मुद्दे हैं, बहुत लंबे अरसे से वहाँ की जनता चाहती है कि तहसील बने, पुरकाजी को तहसील बनाया जाए। और बहुत एक पुरानी मांग है वहाँ की, जो मैं भी मतलब ये देख रहा हूँ कि सोलानी में अक्सर हर बार जो है वहाँ पे इतनी बाढ़ आती है कि हजारों किसानों को उनका हजारों एकड़ का जो रकबा है उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो बहुत पुरानी मांग है कि वहाँ पर बांध बनना चाहिए, मुख्य रूप से तो यही है। और हालांकि वैसे तो महिलाओं की पढ़ाई की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छे अस्पताल नहीं है, और महिलाएं जो है इतनी दूर से यहाँ पर मुजफ्फरनगर में पढ़ने के लिए आती हैं, ये एक बड़े अफसोस की बात है। कोई डिग्री कॉलेज महिलाओं के लिए वहाँ अभी तक नहीं हो पाया है, तो कोई अच्छे अस्पताल नहीं है। तो वैसे तो विकास की जरूरत है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और खादर का क्षेत्र तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। लोग जो है अभी भी ऐसा लगता है कि शायद ये मुजफ्फरनगर ना होके कोई और ही कोई इलाका है। तो और जहाँ तक कांग्रेस का मामला है, आप लोगों के सामने कि कांग्रेस ने आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर अगर योगी की सरकार के खिलाफ जो एक इंतहा हो चुकी, एक बाढ़ आई है पूरे प्रदेश में अपराधों की, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ अपराध, दलितों के खिलाफ अपराध, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो एक मतलब अपराध हुए हैं, उसकी लड़ाई को केवल प्रियंका जी ने लड़ा है। सड़कों से लेकर मतलब आप ये देखिए कि हम तो उनकी टीम के एक मेंबर के रूप में, उनके कार्यकर्ता के रूप में रहे, अनेकों बार गिरफ्तारी हम लोगों ने दी है। सोनभद्र का मामला रहा हो, हाथरस का मामला रहा हो, या और इतने केस है जिसमें मतलब हम लोग प्रियंका जी के साथ हमने धरना दिया है, प्रदर्शन किए हैं, गिरफ्तारियां दी हैं। और लखीमपुर खीरी में आपने देखा है अभी हाल ही में किसानों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हुआ। एक मिनिस्टर के, केंद्रीय मंत्री के लड़के ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया उन्हें बहुत बुरी तरीके से, किसानों को, जिसमें 5-6 किसानों की मौत हुई। उसमें भी हम लोगों ने आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में एक लंबा संघर्ष किया और उनके खिलाफ मतलब सरकार के खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की। जहां हमारी अन्य स्टेट के अंदर सरकारें हैं जैसे छत्तीसगढ़ में और पंजाब में, वहाँ की सरकारों से प्रियंका जी ने एक बहुत, देखिए किसी को मरे हुए को जिंदा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन 50-50 लाख रुपए का मुआवजा उन सरकारों से दिलवाया। तो हमने प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक लंबी लड़ाई इस प्रदेश के अंदर की है। सारे विपक्षी दल मोदी से और योगी से खौफ खाए हुए बैठे थे, चाहे बसपा के नेता रहे हों या समाजवादी पार्टी के नेता या अन्य दलों के, किसी ने कोई आवाज़ इन मतलब इस सरकार के खिलाफ नहीं उठाई, अलावा कांग्रेस के। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के लोग ही तमाम लड़ाइयों को लड़ते रहे हैं, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। पुरकाजी में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन, ये दो थे और साथ ही साथ आपकी फाइट थी, लेकिन बीच में आजाद समाज पार्टी की जो उमा किरण है वो फिर से कूद आई है, कितना फर्क डालेंगी? देखिए, यूं तो कई पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन मैं नहीं समझता, लोग सब जानते हैं, कोई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता कि पता नहीं मतलब हमारी पुरकाजी की जनता किसे अपना आशीर्वाद दे, ये तो इसके बारे में तो कुछ कह नहीं जा सकता। अच्छा, जैसे कि आपने बताया अभी कि वहाँ पर बांध की सबसे बड़ी समस्या है और ये जो इलाका है हमेशा ही पिछड़ा हुआ रहा है, कहीं ना कहीं विकास बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन सरकारें आई और गई,
उसके बावजूद भी वोट चलती रही, वोट बैंक बनाते रहे, वोट बैंक बनाते रहे, लेकिन अब वहाँ की जो जनता है उनका क्या विचार है और क्या उनका रुझान चल रहा है? देखिए, जनता बहुत जागरूक हुई है, वो भले ही चाहे मीडिया की वजह से ही समझ ले, आज वो अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और अपने मतलब जनता बहुत लंबे टाइम तक हिंदू और मुसलमान में बट के उन्होंने वोट किया है। इस बार मुझे ये लग रहा है कि जनता इस आधार पे वोट नहीं कर रही है, जनता बहकावे में आने वाली नहीं है और जनता ये भी देख रही है कि उनके जो नुमाइंदे हैं उनका वोट लेते हैं और फिर मतलब पलटी मारते हैं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, तो उन्हें ये भी पता है कि हम जिन्हें चुनाव जिता कर भेजें वो पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करें। और देखिए, वैसे तो राजनीति में लक्ष्य यह होता है कि भाई हम जनता की सेवा के ही लिए राजनीति में आते हैं, लेकिन आज के मूल्य राजनीति के बदल गए हैं। हम लोगों के ज़माने में तो कभी ऐसा था नहीं, कभी कोई मतलब आप ये समझिए कि आज तो आदमी एकदम स्टेटस उसका बदल जाता है, 5 साल के लिए विधायक हुआ तो करोड़ोंपति हो जाता है, लेकिन हम लोगों के टाइम में ऐसा नहीं था। बहुत ईमानदारी के साथ पूरी निष्ठा के साथ जनता की सेवा करते थे और हमारा तो वही लक्ष्य है। आज भी कोई पेट भरने का अपने जेब भरने का लक्ष्य हमारा नहीं है, खाली जनता की खिदमत करने का, उनकी सेवा करने का लक्ष्य है। यही लक्ष्य लेकर हम राजनीति में आए थे। हमने अपना निजी कोई संपत्ति, हमने कोई अपना काम ही, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि कभी बहुत अच्छा घर हमारा समझा जाता था, लेकिन आज जो है आप देख रहे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, और दूसरे लोगों से भी तुलना करें, दूसरे जिलों से आके लोग राजनीति कर रहे हैं, यहाँ एक कुर्ता पजामा पहन के जो आए, आज जो है आज 85 करोड़ रुपए की संपत्ति है, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो जनता सब जानती है। हालांकि जनता को चुनाव करना है, वो अपना अच्छा बुरा समझ के वो चुनाव करेगी और मुझे तो विश्वास है कि शायद जनता जो है मुझे इस बार मौका दे। 10 तारीख का मतदान है, 10 फरवरी, ये तय कर देगी जनता कहाँ जा रही है। पुरका जी की जनता से इससे पहले क्या अपील करनी है? जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अपना नुमाइंदा ऐसा चुने जिसे चुनकर वो पछताए ना, फिर वो 5 साल के लिए फिर उन्हें परेशान होना पड़ता है। आज जो लोग चुनाव के मैदान में हैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका अभी नहीं मिला है, और 3 लोग ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है क्षेत्र का, तो मैं समझता हूँ लोगों को, लोग शायद असंतुष्ट हैं, उनसे संतुष्ट नहीं है। बाकी मैं इस बारे में कुछ अपनी राय ज़्यादा देना नहीं चाहता, आप लोग जो है इसकी जानकारी करें, फैसला जनता के हाथ है। ये थे हमारे साथ दीपक कुमार फुरका जी, विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी बातें रखी, अपने मुद्दे उठाए और जनता से अपील की। हलचल इंडिया के लिए सूर्यकांत त्यागी के साथ हिमांशु पाठक।